Hey guys, welcome to another vlog. This time it was a family trip and we headed towards Tapora early in the morning. The first stop that we took was for breakfast at Jogeshwari Misar and Bhel. मम्मी मिसर कैसी है? खाने? कैसी है मिसर? So it's basically a family trip. So I'll introduce you all to my parents and my sister. So Pratiksha, say hi. Hi. This is Pratiksha. ये मम्मा. Hi mama. और ये मेरे पापा है. और ये मेरे वो है वो. और ये है सुदर्शन, as you all know. So on the way to Tapora, we took a stop at Bagicha Corner to enjoy the strawberry ice cream that's really famous here. So we would definitely recommend you all to take a stop here for breakfast or lunch. So we've almost reached and we are 10 kilometers away from Tapora, and we stopped for a quick photo session here. So we just reached the property and the property name is Nandanvan. So I'll try to give you all the property tour as well in some time. So this is the room. It's a really nice room. And look at this view. It is so beautiful. और ये है प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी भी बहुत ही अच्छी है. हमको तो अभी फिलहाल तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा है. ये वॉलीबॉल खेलने के लिए जगह है. सो दिस इज आवर रूम. दैट वाज मम्मा पापाज रूम. लुक्स डीसेंट. तो हम लोग अभी आए हैं नंदनवन रिसोर्ट में. हमारा डिसाइडेड नहीं था हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरे हस्बैंड ने ये रिसोर्ट ढूंढ के निकाला और इट्स टर्न्ड आउट टू बी रियली नाइस. वी आर कमिंग हियर फॉर द सेकेंड टाइम एंड दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गुड, बट द वन दैट वी स्टेड इन हैड अ बेटर व्यू विच इज किनारा. और दिस प्रॉपर्टी दैट इज नंदनवन, यू कैन सी दैट देयर आर मल्टीपल पार्किंग स्लॉट्स. एंड ये साइड पे ये जो रूम्स हैं ये सारी फैमिली रूम्स हैं और नीचे साइड पे कपल रूम्स हैं. तो आपको अंदाजे 1500 चार्ज लगेगा. तो चार्ज वेरी हो सकते हैं, हमको 1500 लगा है चार्ज. एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग. हाँ, एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग लाइक डिनर एंड लंच एंड द नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट. यस. एंड कायाकिंग. कायाकिंग ऑल्सो, राइट. जैसे आप देख सकते हैं अभी हम फैमिली रूम में हैं. रूम है उसको, ये बालकनी है. तो ये आप नीचे देख रहे हैं कोयना डैम है, कोयना डैम का बैक वाटर. और यहाँ पे नीचे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ग्रीनरी गार्डन है. यहाँ पे बच्चों के लिए भी थोड़ा खेलने के लिए चीज़ें हैं. सो व्हेन यू कम डाउन देयर आर स्विंग्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले एंड द गार्डन इज प्रीटी वेल मेंटेन्ड. और आप ये नीचे देख सकते हो, नीचे कपल रूम्स है और कपल रूम्स को डायरेक्टली गार्डन का एक्सेस है. गार्डन में जैसे झूला वगैरह है, स्विंग, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है.
So after taking a short nap for 30 minutes, we decided to go for kayaking. So package में तो included था kayaking, लेकिन अगर आपको कुछ और activities करने हैं तो आप definitely कर सकते हैं with extra charges. So this is Sudarshan enjoying his kayaking. मैंने और मम्मा ने साथ में kayaking की और यहाँ मम्मी बैठते हुए गिर गई. So और ये मम्मी का first time ही था kayaking करते हुए, तो हम निकल पड़े यहाँ से कायक करते हुए और उस तरफ से पापा आ रहे थे. प्रतीक्षा मैडम ने तो कब्जा कर रखा था कायक पे. ये पापा आते हुए वापस और मैं और मम्मा. ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन शाम रही. सो दिस इज़ द अदर प्रॉपर्टी दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट विच इज़ किनारा. सो लास्ट टाइम वी हैड स्टेड हियर बट दिस टाइम वी डिड नॉट गेट द रूम्स. प्रॉपर्टी इज़ एक्चुअली डायरेक्टली नियर बाय द लेक. सो it is much more prettier but we did not get a room here. Me being super excited about the barbecue. Good morning. So it's a new day. सो बोटिंग के लिए हम त्रिवेणी संगम, दत्त मंदिर और एक कोई जगह है वहाँ जाने वाले हैं. हाय गाइस, सो हम आए हैं अभी मचान पे एंड यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है. तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पीछे का व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू है. डेफिनेटली थोड़ा स्कैरी लग रहा है क्योंकि ये हिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी प्लेस है. सो हम लोग फिर से आ गए हैं अभी किनारा रिसॉर्ट पे और हम लोग यहीं से सोच रहे हैं बोटिंग जाने के लिए. सो बोटिंग के भी दो ऑप्शंस हैं. आप इधर एक शॉर्ट ट्रिप ले सकते हो 45 मिनट्स की, या फिर ऑलमोस्ट 2 आवर्स की दूसरी ट्रिप ले सकते हैं. तो हम वही डिसाइड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल. व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है लेकिन किनारा रिसॉर्ट से. सो हम लोगों का अभी डिसाइड हो गया है, हम जा रहे हैं दत्त मंदिर और ये हमारी बोट है. दिखाती हूँ.
ऐसे तीन नदियों का इस पॉइंट पे संगम होता है। मंदिर की तरफ चल के जा रहे हैं। आओ तुम्हें भी पाकुनी अब हम पहुंच गए हैं मंदिर में और बहुत ही ठंडक है यहाँ पे। आने के लिए जैसे आपने अभी देखा एक छोटी सी गुफा है, उस गुफा में से अंदर आ रहा है और इतनी शांति है, मतलब आप आके बैठ सकते हैं। After visiting temple, we left for the place from where we started. घर जाते वक्त हमने डिसाइड किया महाबलेश्वर वाली रोड से ही जाने से अच्छा क्यों ना एक दूसरा रूट लिया जाए, और सिंस हमें उस तरफ जाना था तो हमने फटाफट तराफा पे नंबर लगाया और गाड़ी लोड कर दी। और ये हम निकल पड़े बैक वाटर के उस पार। हम रुके हैं अब यहाँ मामाज फार्म पे। हम अलग ही रास्ते से आए हैं आज। अभी हम तापोड़ा से जो मेढा वाला रोड है उससे आए, जो बामनोली से होके आता है, और यहाँ पे अभी हम मेढा पहुँच गए और यहाँ पे एक हमें होटल मिला है और ये डक भी है सामने खुला घूम रहा है, टेंशन ही नहीं है उससे। सच में देख डक ऐसे देखा है क्या? डक देख And after the fulfilling lunch, we headed towards Pune and our trip ends here. Thank you so much for watching. Until next time.